हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th फिजिक्स। एंड आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इस चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरी खुशबू आएगी और मस्त मजा आ जाएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर क्लास 10th फिजिक्स या फिर क्लास 10th केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो बस YouTube पर उस चैप्टर का नाम लिखने के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको उस चैप्टर की मस्त खुशबू आएगी। और आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मानते हुए कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए इस चैप्टर के, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले हेडिंग बना लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस नेचर में मैं बोलूं कि भाई, इस नेचर का एक ऐसा फेनोमेना है जो नेचर की एक क्वालिटी को बार बार प्रूव करता है। नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जो नेचर की एक क्वालिटी को बार बार प्रूव करता है। बोला सर, ऐसी क्या क्वालिटी है नेचर के पास जिसको बार बार प्रूव किया जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात, हमने कहा कि यदि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप जानते हो यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। अच्छा, किस डायरेक्शन में बनाता है, तो आप उसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल दोगे। बोला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या बात समझ में आ रही है कि यदि किसी कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो होता है तो उसके कारण से वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। तो नेचर की हमेशा एक बात याद रखना कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। नेचर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। भाई, आप दीवार में अपना सर मार दो, ठीक है ना, आप दीवार में अपना सर मार दो पूरी ताकत से, तो आपने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने आप पे फोर्स लगा दिया। अब आपने जब दीवार पे फोर्स लगाया, वो रोई नहीं रोई, लेकिन जब उसने आप पे फोर्स लगाया तो मम्मी मार दिया। हाँ, तो भाई ये है या नहीं, नेचर कभी अन्याय नहीं होने देती। तो बस सेम बात है। आपने भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि भाई सबको न्याय मिलेगा, अन्याय किसी को नहीं मिलेगा, सत्य की जीत होगी, है ना। तो बस यही बात है कि नेचर ने कहा मुझे सिमेट्री पसंद है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि उसको एक जैसा फिक्स पैटर्न पसंद है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो नेचर मैग्नेटिक फील्ड को भी ये ताकत देती है। मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है, ठीक है ना। तो सुनो कि हम अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, और अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। और यही तो हमारे टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर लेना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोला सर, ये इंड्यूस क्या होता है, तो इंड्यूस का मतलब बिना कॉन्टैक्ट किए बिना टच किए बिना ठोका पीटी किए जो है अपना काम निकलवा लेना। बात समझ पा रहे हो, मतलब घसीट के, खींच के लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है, आपको नोट करना है। बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, हिंदी में नोट कर लो, अपनी भाषा में नोट कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इंड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, अब यहां पर एक आपको वर्ड समझना है, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है घर पे रखी हुई, हां सुन लो, अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो आप भी उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बहुत आसान। इसका मतलब सर कि अब हमें जो है घर का कनेक्शन कटवा देना चाहिए, बिजली का कटवा दो,
अगर आप इतनी बना सकते हैं तो, है ना, अगर इतनी नहीं बना सकते तो फिर मत कटवाना, ठीक है, नहीं अंधेरे में कौन सोएगा। बात समझ पा रहे हो हमारी? तो कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अब इस चीज को देखो। तो ये बात सबके सामने कब आई, ये बात सबके सामने लेकर के आए, मतलब दुनिया के सामने इसको रिवील किया, डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। और आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तक आपको ये बातें समझ में आई, अब हम पढ़ेंगे कि फैराडे को कैसे पता पड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो उनके बड़े प्यारे से छोटू से एक्सपेरिमेंट को समझना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। और हम आपको ये भी बताएंगे, इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे कि सब कुछ कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि हमारे पास जो है मतलब जो माइकल फैराडे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मान लो कि उनके पास एक कॉइल थी, ठीक है। ये कॉइल है, ये कॉइल किसकी है, मान लो कॉपर कंडक्टर, मतलब कॉपर वायर, ठीक है। तो ये कॉइल है और इस कॉइल में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, कॉइल में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब बोलो सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे सर पता है पता है पता है पता है, है ना। और कुछ लोग बोलेंगे अरे सर नहीं पता, गैल्वेनोमीटर बता दो। तो जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता, वो सारे सुन लो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिल जाएगा 10th क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो गैल्वेनोमीटर कैसे लगा था, पहले इस अरेंजमेंट को समझो। मतलब वो जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे फैराडे, इसी के लिए नहीं कर रहे थे, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे माइकल फैराडे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये कॉइल के दो वायर निकले होते हैं, हम निकाल लेते हैं एक वायर दूसरा वायर, और उसके साथ कनेक्ट था कैसा कि भाई गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो बोला गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, नोट कर लो हिंदी में, है ना, अपनी भाषा में, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। क्या बोला मैंने, मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। बोला सर ये तो पता था। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ आपको छोटी सी बातें कुछ और बताते हैं। तो हम यहां पर लिख दें गैल्वेनोमीटर क्या है, बोला ऐसा डिवाइस जो कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो बोला डिटेक्ट करंट इन सर्किट। अच्छा, तो बोला ये कितना करंट डिटेक्ट करता है। तो ये देखो, अगर सर्किट में 0.000001 एम्पियर, मतलब 0.000001 एम्पियर, इतना छोटा करंट भी है तो ये पता लगा लेगा। मतलब ये जो है सर्किट के अंदर मिली एम्पियर करंट या फिर माइक्रो एम्पियर करंट को भी मेजर कर सकता है। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब एडिशनल क्वेश्चन सुनो, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है कि ऐसा है कि क्या गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट को मेजर भी कर पाता है। बोला हमने पता तो कर लिया, बोला डिटेक्ट करता है, लेकिन क्या गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम सर्किट में करंट को मेजर कर लेते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन ये जो करंट है बहुत छोटू सा करंट होता है, है ना। कितना, कि ये जो है केवल मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट ही मेजर कर पाता है। अगर आप इसमें इससे ज्यादा करंट पास कराते हैं तो फिर ये जो है ना इसका जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वायर होता है, जो कॉइल होती है, उसमें आग लग जाती है। तो क्या बोलोगे, इट कैन मेजर वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट। तो क्या बोलोगे, इट कैन मेजर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट ओनली। बात समझ भाई? तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ एडिशनल बातें थी, आप इसको जो है नोट कर लो और मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। नाउ वी कम टू द माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट। हमें ये समझना है ना कि फैराडे ने ये कैसे प्रूव किया, कैसे पता किया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऐसा ऐसा होता है। और आपको इस चीज का जवाब भी मिलेगा कि जो है हम घर में जो है आप अपनी अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। तो नाउ, तो गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, कॉपर कॉइल रखी हुई है और बैठे हुए हैं माइकल फैराडे, ठीक है। तो अब आप समझते हो कि भाई उनकी कॉइल, उनकी टेबल पर जो है एक मैग्नेट रखी होगी किसी काम के लिए। उन्होंने मैग्नेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हटाया। मतलब कभी कभी होता है ना कि वो पानी की बोतल रखी है, उस पानी की बोतल को उठा के हम यहाँ रख देते हैं, है ना। तो जैसे उन्होंने जो है मैग्नेट के एक पीस को उठाया और उठा के उसको जो है दूसरी जगह पर रखा, तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें जो है जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ रखा इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। मतलब इस गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली। अब ये नीडल नहीं हिली थी सिर्फ, उनका दिमाग भी हिल गया था, बोले ये क्या हो गया,
कि मैग्नेट से मैग्नेट को हिलाया और गैल्वेनोमीटर की नीडल हिल गई तो उनका दिमाग भी हिल गया था, है ना। फिर उन्होंने देखा कि इसका मतलब है, थोड़ा सा और उन्होंने दिमाग लगाया, बोला यहां से इस मैग्नेट को उठाया और वापस यहां पर रख दिया, इसका मतलब उन्होंने सोचा कि अरे मैग्नेट को मैंने यहां से यहां उठा के रखा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल हिल रही है। और बोला गैल्वेनोमीटर की नीडल कब हिलती है, तो उन्होंने कहा कि गैल्वेनोमीटर की नीडल तो जब हिलती है ना कि जब सर्किट में करंट होता है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेट को यहां से यहां ले जा रहा हूं तो इसके अंदर करंट बन रहा है। अरे अपन ने तो डिस्कवरी कर दी, है ना, हमने तो मजा कर दिया भाई। इसका मतलब जो है मैग्नेट की हेल्प से भी जो है ऐसा हो सकता है। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप सुनो कि पहले उन्होंने क्या ढूंढा, क्या पाया, ठीक है। तो उसका मतलब उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक बड़ी मैग्नेट को मैं इसके पास में ला करके रख देता हूं, है ना। तो पहली चीज उन्होंने क्या नोटिस की कि जब भी मैं मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करा रहा हूं, रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हो, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि जब मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कराया जाए या फिर कॉइल को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव कराया जाए, मतलब ये देखो ये कॉइल रखी है उसके आसपास जो है मैग्नेट को मूव कराया जाए, या फिर ये मैग्नेट रखी है इसके आसपास कॉइल को मूव कराया जाए। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने, माइकल फैराडे ने ये नोटिस किया कि जब जब रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तब तब क्या होता है करंट इंड्यूस होता है। तो क्या बोलोगे, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल कैन इंड्यूस, या फिर बोलूं बिटवीन कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कॉइल, ठीक है। हर चीज का आंसर दूंगा, अभी आप सुनो कि उन्होंने क्या-क्या चीजें देखी। तो देखो, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि अगर मैं इस मैग्नेट को लाकर के यहां पर रख दूं, बस उन्होंने दूसरी चीज नोटिस की कि यहां पर जो है इस मैग्नेट को लाकर के रख दूं तो क्या जो है ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी। तो उन्होंने एक काम किया, बोला छोटा पीस रखा कुछ नहीं हुआ, बोला बड़ा पीस रख दिया कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा पीस रख दिया मैग्नेट का कुछ नहीं हुआ। तो यहां से उन्होंने पाया कि मैग्नेट अगर रेस्ट में है, मैग्नेट केवल रखी हुई है, तो फिर जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल नहीं हिलेगी। मैग्नेट अगर सिर्फ रखी हुई है तो फिर इसमें करंट नहीं बनेगा। तो ये तो वही बात हुई ना कि जब एक कंडक्टर में वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, लेकिन जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका मतलब है कि जैसे हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स के पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन जैसे कि करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के मोशन करने से, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने का मतलब है कि हिलना, क्योंकि सोचो अभी बताते हैं आपको। तो क्या बोलोगे कि रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कॉइल। तो ये जो है ये माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ है, है ना। इसको क्या बोलोगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब सुनो, तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जब जब जो है रिलेटिव मोशन होगा तब तब जो है ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा साइंटिफिकली नहीं है, है ना, मतलब साइंटिस्ट ने थोड़ा सोचा कि ये चलो चीज तो हमने बता दी कि रिलेटिव मोशन जब जब हम जो है इस मैग्नेट को उठा करके इस कॉइल के अंदर लेके जाएंगे या फिर कॉइल को उठा के इसके पास आसपास लेके जाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और मतलब तो इसके अंदर जो है ना ये चीजें होंगी और ये करंट बनाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस लॉ को साइंटिफिकली देखा गया तो पाया कि रिलेटिव मोशन करवाने से क्या हो रहा है, मतलब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि रिलेटिव मोशन करने से जो है ये ऐसे ऐसे नीडल हिलती है, इसका मतलब करंट बनता है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि रिलेटिव मोशन से करंट बनता है, लेकिन रिलेटिव मोशन जब कराते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि करंट बनता है, है ना। रिलेटिव मोशन जब कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि करंट बनता है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट लॉ का एक आधा पार्ट आप समझिए। तो देखो क्या होता है कि जब एक जो है कॉइल मान लो इस तरह से रखी हुई है, यहां पे रखी हुई है एक छोटी सी या एक बड़ी सी मैग्नेट, इस मैग्नेट में से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, ये पीछे भी जाएंगी, केवल हम आपको आगे वाली दिखा देते हैं। ये निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ कि जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास में लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि मान लो अभी ये रखी हुई है, अभी ये यहां रखी हुई है और ये यहां रखी हुई है, तो इससे मान लो कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट होती हैं। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो कि 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कनेक्ट होती हैं, टच होती हैं, मतलब लिंक होती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हुई, अभी इसमें कोई भी करंट नहीं बन रहा है इस कॉइल में, ठीक। अब सोचो अब क्या हुआ कि जब हम इसको पास में लेकर के आए तो 500 फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही थी, जब ये पास में आ जाएगी तो ये जो फील्ड लाइन है ये भी आगे बढ़ जाएंगी, तो फिर 600 फील्ड लाइन कनेक्ट हो गई, 600 मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर हम इसको थोड़ी सी और पास में लेकर के आए तो हमने देखा कि 700 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो गई, थोड़ी सी और पास में लेकर के आए, बोला हम बिल्कुल बीच में ला करके रख दिया हमने इसको, तो हमने देखा कि 800 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम इसको पास में लेकर के आ रहे हैं जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदल रही है, मैग्नेटिक पहले 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही थी, फिर 600 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही हैं, फिर 700 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही हैं, फिर 800 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही हैं, और इस कनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उन्होंने देखा कि रेस्ट में अगर ये रखी है, ये मैग्नेट एक ही जगह पर रखी है, तो इस पर हर बार केवल 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कनेक्ट हो रही थी वही कनेक्ट होती रहेंगी, लेकिन जब हम इसको मोशन कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मोशन कराते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कनेक्ट हो रही है इसके साथ, तो हम पाते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलती है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलती है तो फिर हम देखते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो देखो, तो ये तो हो गया इसका बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है और जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है, आप इसको लिखो, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूसेस इन दैट कॉइल। तो क्या आपको बात समझ में आई? तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहता है, तो फैराडे ने सबसे पहले जो चीज नोटिस की वो ये थी कि उन्होंने पाया कि रिलेटिव मोशन करवाने से इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। फिर उन्होंने जानने की कोशिश की कि जब रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि करंट बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस मैग्नेट को मोशन कराता हूं तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कनेक्शन है वो उसका जो नंबर है वो बदलता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उन्होंने पाया कि रिलेटिव मोशन जब कराते हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलती है। बात समझ में आई। चलिए भाई, तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ, जिसको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ये सेकंड लॉ नहीं है, ये फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ही है। इस चीज को पहले उन्होंने स्टडी किया, फिर इसको इन्होंने फाइनली स्टडी कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप सेकंड वाले को लिखना, ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा एक चीज और नोटिस की गई, मैं आपको बताया नहीं चाह रहा था लेकिन आप सुन लो, एक चीज और नोटिस की गई कि मान लो ये जो मैग्नेट है ना, ये यहां तक आ गई, 800 फील्ड लाइन कनेक्ट हुई, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है मान लो ऐसे, ठीक है। तो फिर जब ये मैग्नेट जो है ना इससे दूर जाएगी ना, जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगी तो करंट जो है इससे दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। जैसे मान लो 800 फील्ड लाइन कनेक्ट हो गई, अब इस मैग्नेट को इसके आर पार निकालोगे तो ये फील्ड लाइन जो है इससे कम कनेक्ट होंगी ना, 800 कनेक्ट हो रही थी इसके पास में आ गया, अब मैग्नेट जब इससे आर पार जाएगी तो मैग्नेट इससे दूर जाने लगेगी, तो इसका मतलब 800 से 700, फिर 600, फिर 500, फिर 200। तो इसका मतलब कि जब मैग्नेट को आप मोशन कराते हो तो फिर जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। बात समझ में आई। चलिए इसके बाद देखो, अब आप यहां से हेडिंग बनाओ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप यहां से हेडिंग बनाओ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है? अब कोई भी साइंटिस्ट केवल छोटा सा काम करके नहीं मान जाता, उसको पूरी स्टडी करता है। तो उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि जब हम इस मैग्नेट को धीमे धीमे मोशन करा रहे हैं तो धीमे धीमे ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो थोड़ा थोड़ा करंट बनता है,
ठीक है ना, जब हमने उसको जल्दी जल्दी मोशन करा, जल्दी जल्दी मोशन करा, जल्दी जल्दी ऐसे आर पार किया है ना, तो जल्दी जल्दी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, जल्दी जल्दी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है करंट ज्यादा बन रहा है। दैट मींस जो सेकंड लॉ उन्होंने नोटिस किया वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर मैं बोलूं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप जो 10th क्लास में हो उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी या डाउट होगा ईएमएफ क्या होता है, तो आप ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस समझ सकते हैं अभी के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ओम्स लॉ पढ़ा था कि वी ज्यादा बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट और ज्यादा होगा, समझ गए। तो इसका मतलब सेकंड लॉ उन्होंने दिया कि ईएमएफ, आप इसको नोट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलोगे, ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ का मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ लें, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बात समझ में आई, इसी इसके नीचे, इसके नीचे आपको लिखना है, इसके जस्ट नीचे लिखना आप ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ को लिखते हैं डी फाइव बी, डी फाइव बी, फाइव बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मैंने यहां पे ठीक है, आप यहां पे लिख दें मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चलिए सुनो, तो यहां पे देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है डी फाइव बी अपॉन डी टी। बात समझ में आई, एक बार इसको यहां देख लो, ईएमएफ कितना बनेगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ये इसका सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जितनी जल्दी जल्दी आप फ्लक्स चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ज्यादा ज्यादा ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ मतलब उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उसके हिसाब से जो है ज्यादा करंट बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आई, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पूरे फोटो फोटो ले लो उसका, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ आया होगा, ठीक है ना। लेंज लॉ मैं आपको 5 मिनट में खत्म कराने वाला था, है ना, क्योंकि जो हमारी लाइव क्लास है अब स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम बाद, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:30 से ज्यादा का टाइम हो चुका है ना, 7 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लेंज लॉ मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा और मजे के साथ इसको करीब आधे घंटे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लेंज लॉ पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी तरह से बता देगी कि अभी तक हमने पढ़ा कि मैग्नेट का मोशन कराने से दैट मीन्स करंट इंड्यूस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, करंट क्यों इंड्यूस होता है, और हम पढ़ेंगे नेचर का सेकंड लॉ जो कि है नेचर लव्स सिमेट्री, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यूट्यूब पर सर्च करना लेंज लॉ बाय अभिषेक साहू, वीडियो आपको कल मिल जाएगी, कल मतलब 31 जुलाई 2020। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।